क्या आपको जेमस्टोन अपने नंबर्स या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पहनना चाहिए? The answer to that is no. So many times you will go to a person who is helping you with numerology और वो आपको बोलेगा आठ नंबर है और आप शनि का जेमस्टोन पहन ले जैसे कि नीलम, तो आपको बहुत फायदा करेगा। हो सकता है ऐसा करने से आप अपने लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी उलझने ले आए। देखिए, अगर आप अपनी न्यूमरोलॉजी या नंबर्स के हिसाब से जेमस्टोन पहनते हैं और वो प्लैनेट आपकी कुंडली में ठीक स्थिति में नहीं है, या वो आपके कुंडली में 6, 8 या 12 हाउसेस को रूल करता है, तो देखते ही देखते आपके लाइफ में बहुत ज्यादा मुसीबतें बढ़ जाएंगी। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप जेमस्टोन पहनना चाहें तो आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, उससे अपनी कुंडली दिखवाएं, अपने प्लैनेट्स की जांच करवाएं। अगर आपकी कुंडली में आपका कोई प्लैनेट 159 को रूल कर रहा है हाउसेस को, इसके साथ साथ वो आपकी कुंडली में 6, 8 या 12 हाउसेस को नहीं रूल कर रहा, तो चांसेस आर दैट प्लैनेट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड प्लैनेट फॉर यू टू बी एबल टू वेयर अ जेमस्टोन। पर इसके अलावा ये भी देखना है कि वो प्लैनेट आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, एंड हेंस इट इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट दैट यू वेयर योर जेमस्टोन एज पर योर लग्न, ओनली योर लग्न, योर असेंडेंट, नॉट एज पर योर मून साइन, नॉट एज पर योर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, नॉट एज पर योर न्यूमरोलॉजी नंबर्स।